क्या कभी आपने बजट फ्रेंडली डिश खाया है? चलिए बनाते हैं आज हम बजट फ्रेंडली डिश। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच बेसन, 2 अंडे और 2 बड़े बड़े आलू लिए हैं, इसको मैंने बड़े बड़े साइज के काटे हैं, 1 प्याज, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और 4-5 ग्रीन चिली को मैंने कूट लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल और अभी मैं बेसन में मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक। आप इसमें हल्दी, काली मिर्च, प्याज, लहसुन सब दे सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ हल्दी नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ नमक और 2 अंडे और 2 बड़े चम्मच बेसन को मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका ऑमलेट बनाएंगे। जब घर में हो महीने का एंड और घर में सभी राशन ख़त्म होने वाले हो, उसी टाइम के लिए ये डिश एकदम वरदान है, तो आप भी घर पर इसको ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए ये जो ऑमलेट है ये काफ़ी हद तक फूल चुका होगा, हम 2 मिनट इसको ढककर रखेंगे, उसके बाद देखना ये जल्दी फूल जाएगा, उसके बाद हम उसको पीसेस करेंगे और उसको पकाएंगे। तो देखिए ये हमारा ऑमलेट काफ़ी मोटा और फूल गया है, इसको हम उठा लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल देंगे, करीब और 1 चम्मच तेल हमने डाल दिया है और आलू को हम नमक और हल्दी के साथ फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये जो डिश है ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है और टेस्टी भी बनता है, और आप 2 अंडे को आप ऐसे बनाओगे तो आप 3-4 लोगों को आराम से खिला सकते हो, अगर आप दूसरी डिशेस बनाओगे तो आप 2 अंडे को 4-5 लोगों को नहीं खिला सकते हो, तो इसलिए ये बजट फ्रेंडली डिश है जिसको मैंने नाम दिया है। आलू को हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और आप 2 अंडों से बहुत से लोगों को खिलाना चाहते हो, बहुत से मतलब 10-20 को नहीं, करीब 4-5 को आप खिलाना चाहते हो, तो आप इसमें ज़्यादा प्याज भी दे सकते हो और आलू भी थोड़ा और बढ़ा के दे सकते हो और उसका थोड़ा पतला ग्रेवी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी। देखिए मैंने गर्म मसाला ले लिया है, 3 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा साबुत जीरा और 4-5 ब्लैक पेपर। अभी मैं बनाऊंगी मसाले का घोल, मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, 1 चम्मच इसमें मिलाऊंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको हमें ज़्यादा तीखा नहीं करना है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसको दूसरे ऑर्डिनरी रेड चिली पाउडर के साथ भी बना सकते हो। मेरा कश्मीरी रेड चिली पाउडर शायद निकलने के मूड में नहीं है अभी। एक चम्मच हल्दी पाउडर भी दे दिया है मैंने और थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने दे दिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। देखिए आलू हमारा फ्राई हो गया है लगभग, उठा लेंगे सभी को, कितना भी नहीं सिर्फ कढ़ाई में से उठाएंगे आलू को। देखिए हमारा ऑमलेट जो बेसन और अंडे का था उसको मैंने पीसेस करके काट लिया है धोखा टाइप का, अभी इसमें हम डाल रहे हैं साबुत जीरा और गरम मसाला, जब इसमें से अच्छा स्मेल आएगा तब हम इसमें दे देंगे प्याज, जो मैंने 1 प्याज को छोटे छोटे चॉप करके रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। चलाएंगे इसको अच्छे से, मिक्स करेंगे सभी मसाले को और प्याज को। ग्रीन चिली, 3 ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4-5 लहसुन के कर लिया और आधा इंच अदरक को कूट लिया था,
वो भी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें से जो रॉ फ्लेवर है चला जाए, नहीं तो हमारा डिश खराब हो जाएगा, टेस्ट नहीं लगेगा। मसाले का घोल मैंने डाल दिया है। ढक दिया है करीब 7-8 मिनट के लिए। ढक्कन उठा दिया है, मसाले चेक कर लेंगे एक बार। आलू डाल देंगे इसमें और मसाले और आलू को सभी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। करीब आधा लीटर पानी इसमें डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब अनुसार दीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी दिया है क्योंकि आलू को अच्छे से बॉईल होना पड़ेगा। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा सा इसका आलू काटा है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा बॉईल होने में। ढक देंगे, थोड़ा सा नमक दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको ढक देंगे। करीब 1 चम्मच नमक मैंने दे दिया है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए 10 मिनट बाद ढक्कन उठा लिया है मैंने, आलू अभी भी बॉयल नहीं हुआ है, उसके लिए हमें फिर से इसको ढक के रखना होगा। तो टमाटर वो जो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा साइज के काट के रखा था वो भी मैंने डाल दिया है, और जो ऑमलेट बनाया था हमने बेसन और अंडे से वो भी डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको सभी हम मिलाएंगे अच्छे से और ढक देंगे ताकि टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और आलू भी अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा। 10 मिनट के लिए ढक दिया है हमने इसको। देखिए 10 मिनट बाद हमारा डिश लगभग रेडी है। देखिए अभी ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, आलू भी अच्छे से बॉइल हो गया है, टमाटर भी बॉइल हो गया है, और ये देखिए हमारा ऑमलेट कितना फूल चुका है पहले से। तो क्या मैं इस डिश को करीब 3 लोगों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल हाँ खिला सकती हूँ। अगर आप थोड़ा और ग्रेवी बनाएंगे तो हम इसको 4-5 लोगों को भी खिला सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें मीट मसाला डाल रही हूँ, आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो ये मीट मसाला हमारे डिश को एकदम 4 चांद लगा देगा। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसको बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। तो आप भी इसको घर पर बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो चलिए अभी हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। मैं एक छोटा बोल में इसको सर्व करूँगी। तो देखिए हमारा डिश एकदम रेडी है, और खाने के लिए मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।